हर हर महादेव। एक नितिन कश्यप जी है, इन्होंने वर्ण शूद्र लिखा हुआ है, पटियाला पंजाब से। उनका बड़ा विचित्र प्रश्न है, देखिए। वे कह रहे हैं कि क्या महाराज स्त्रियों की जाति नहीं होती, क्योंकि आजकल कई लोग अपने पुत्र का विवाह किसी भी जाति के पुत्री से करवा देते हैं, या अपने पुत्री को किसी भी जाति के वर को दे देते हैं। तो और पूछने पर वे यही कहते हैं कि भाई पुत्री की, कन्या की, स्त्री की कोई जाति नहीं होती। क्या ये बात शास्त्र सम्मत है? देखिए, बड़ा विचित्र समाज हो गया है, लोग बड़े विचित्र हो गए हैं। वे धर्म की व्याख्या भी अपने हिसाब से करते हैं। जिस वर्ण आश्रम धर्म का परिपालन करने के लिए आचार्य मनु, आचार्य याज्ञवल्क्य प्रवृत्ति कई आचार्य लोग अपनी स्मृति बना करके वर्ण धर्म को, आश्रम धर्म को जो सुदृढ़ रखना चाह रहे हैं, और लोग उसी को तोड़ने में लगे हुए हैं। बिल्कुल तत्परता पूर्वक तोड़ रहा है। इसमें मुख्य, अगर ऐसा ही नहीं, ऐसा अगर होता, उनकी जाति नहीं होती, तो फिर वर्ण संकर किसको कहते हैं? फिर तो कोई वर्ण संकर ही नहीं होता कि भाई जिस जाति में भी विवाह कर लो, वो कन्या तो अपनी जाति की हो जाएगी, तो वर्ण संकर क्या है फिर? अर्जुन तो रो रो करके, चिल्ला चिल्ला करके गीता के पहले अध्याय में ही कह रहे हैं, संकरो नरका यही वह कुलघना नाम कुलस्य च पतंत पितरो येषां लुप्त पिंडोदक क्रिया, है ना, पतंत पितरो येषां लुप्त पिंडोदक क्रिया, वो सब नष्ट हो जाए। तो फिर देखिए महाराज मनु क्या कहते, कैसी कन्या से विवाह करे, है ना। असपिंडा चया मातुरस गोत्रा चया पितु सा प्रशस्ता दियाति नाम दार कर्मण मैथुने, तृतीय अध्याय के पांचवें श्लोक के रूप में। असपिंडा हो जो, सपिंड नहीं हो, और असगोत्रा जो अपने माता के गोत्र की नहीं हो, पिता के गोत्र की नहीं हो, ऐसी कन्या बतला रहे हैं। पर सवर्णा हो, अपने वर्ण की हो, ऐसा नहीं है सवर्णा हो। याज्ञवल्क्य जी ने भी यही बतलाया है, देखिए आचार अध्याय के 52वें श्लोक में, अप्लुत ब्रह्मचर्यो लक्षण्याम स्त्री मुद्वहेत अनन्य पूर्विकाम कांताम असपिंडाम यभी यसी, अपने से छोटी हो, असपिंडाम, असपिंडा हो जो, माने अपने वर्ण की हो परंतु सपिंड नहीं हो, सापिंड नहीं हो रहा हो मातृ गोत्र से, पितृ गोत्र से। अरोगिणी भ्रातृमती असमानार्ष गोत्र जाम, गोत्र प्रवर, अपने गोत्र प्रवर की नहीं हो परंतु अपने वर्ण की हो। देखिए विष्णु धर्मोत्तर पुराण में देखिएगा क्या कह रहे हैं, कि अगर किसी ने भिन्न गोत्र वाली या भिन्न वर्ण वाली कन्या से विवाह कर लिया, तो वो उसके साथ में कोई भी धर्म कार्य नहीं कर सकता, उसे उसके साथ धर्म कृत्य करने का कोई अधिकार नहीं है। धर्म कार्याणि सर्वाणि न कार्याण्य सवर असवर्णया, धर्म कार्याणि सर्वाणि न कार्याण्य सर्वण सवर्णया, न कार्याणि असवर्णया, असवर्णया धर्म कार्याणि न कार्याणि, जो असवर्णा हो, जो अपने वर्ण की न हो, उसके साथ में कोई भी धर्म कृत्य नहीं कर सकते, कार्याण्य सवर्णया। और असवर्णा तो या नारी रत्यर्थ सा प्रकीर्तिता, तो क्या करे, वो तो रति कर्म के लिए ही रह गई, वो किसी भी धर्म कृत्य के लिए नहीं है, वो भी अन्य युगों के लिए ये था। कलयुग में तो सवर्ण कन्या के साथ ही विवाह करना चाहिए, तो स्त्रियों की जाति होती है, वर्ण होता है, और उनका विवाह, अपनी बहन बेटी का विवाह अपने ही वर्ण में करें, अपने गोत्र को और अपने प्रवरों को छोड़ करके, अपने सापिंड को छोड़ करके।
और इनका सबका वर्ण होता है, अन्यथा कोई वर्ण संकर ही नहीं होगा। तो ये कहना ये तो प्रलाप है। कई लोग ये भी कहते हैं कि भाई जो भी वर्ण की होगी लेकिन विवाह होने के बाद तो वो हमारे वर्ण की ही हो जाती है। ध्यान देना, ये भी प्रश्न है लोगों का। तो वो किसी भी वर्ण की हो, क्योंकि वो विवाह होने के बाद तो वो हमारे वर्ण की होगी, ऐसा नहीं है। अगर आपके वर्ण की कोई कन्या है उसके साथ जो असवर्णा है, असपिंडा है, अप्रवरा है, जैसा करने के लिए शास्त्र ने विधान बतलाया गया है वैसी है, और पर आपके वर्ण की है, तब विवाह होने पर सप्तम सप्तपदीय क्रिया होती है, उसमें वो अपने गोत्र को छोड़कर के पति गोत्र वाली हो जाती है। स्वगोत्राद भ्रंसते नारी विवाहे सप्तमे पदी, विवाहे सप्तम पद जो सप्तपदी क्रिया होने पर स्वगोत्र से, स्वगोत्राद, ध्यान देना, स्वगोत्रात् भ्रंसते न तु स्ववर्णात् भ्रंसते, वहां अपने गोत्र को छोड़कर के पति गोत्र वाली हो जाती है। कब? जब वो असपिंडा हो, अप्रवरा हो और समान वर्णा हो, तब असगोत्रा हो। यानी कि गोत्र एक नहीं हो, प्रवर एक नहीं हो और सापिंड नहीं हो उनका, सात पीढ़ी के आगे पीछे उनका मिलना जुलना कुछ भी नहीं हो, है ना, ऐसी शास्त्रीय जो कन्या है, शास्त्र के अनुसार प्रशस्ता जो कन्या है, वो अपने गोत्र को छोड़ करके पति गोत्र वाली हो जाती, पर वर्ण नहीं बदलता। ऐसा नहीं है कि कोई ब्राह्मण क्षत्रिय की कन्या ले आए, वैश्य की कन्या ले आए या और किसी जाति की कन्या ले आए और वो कहने लगे कि भाई ये तो ब्राह्मणी हो गई, क्षत्रिय किसी की ले आए बोले अब तो ये क्षत्राणी हो गई, अब वो ये जो है वैश्या हो गई या शूद्रा हो गई, नहीं, वो गोत्र बदलता है, वर्ण नहीं बदलता। वर्ण तो संकर हो जाएगा, वर्ण शंकर हो जाएगा, और वर्ण शंकर आपको नरक में ले जाएगा। ये वर्ण शंकर जो है वो नरक का कारक है, ये गीता जी में सुस्पष्ट है। इसलिए इसका प्रलाप नहीं करना है, इसको नहीं हटाना है। ये तो वर्णाश्रम की, सनातन वैदिक धर्म की जड़ है, अपने जो है वर्ण में विवाह करना, वर्ण संकर न करना। हर हर महादेव।